बीन बीटन, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंबई पुलिस बुधवार की सुबह सुबह अर्णव के घर में घुसी और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अर्णव ने पुलिस पर अपने और परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। रिपब्लिक टीवी ने कुछ वीडियो दिखाया है जिसमें पुलिस और अर्णव के बीच झड़प होती दिख रही है। मुंबई पुलिस ने 2018 से जुड़े एक केस के सिलसिले में अर्णव के खिलाफ ये कार्रवाई की है। दरअसल ये मामला 2018 का है, जब एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने 2018 में अलीग बाग में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद एक सुसाइड नोट मिला था जो कथित तौर पर अन्वय द्वारा लिखा गया था। इस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि अर्णव गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने उन्हें 5.5 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है लगभग, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी ANI ने अर्णव को हिरासत में लिए जाने के दौरान का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल है। अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस अपने साथ वैन में ले जाते दिख रही है। अर्णव गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने सास ससुर बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की है। रिपब्लिक टीवी ने अपने फुटेज में दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने अर्णव के साथ मारपीट की है। वहीं 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक 2018 में अलीबाग तालुका के कावीर गांव में अपने फार्म हाउस पर मृत पाई गई थी। अन्वय फर्स्ट फ्लोर पर मृत पाई गई, जबकि उनकी मां का शव ग्राउंड फ्लोर पर मिला था। इसके बाद 48 वर्षीय अन्वय की पत्नी अच्युता नाइक ने मामला दर्ज कराया था। उस घटना के बाद जो सुसाइड नोट मिला उसमें मृतक ने आरोप लगाया था कि उसे और उसकी मां को अपनी निजी जिंदगी समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने यह कहते हुए मामला बंद कर दिया गया था कि मामले में 10 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे।